बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल अपने करियर के शुरुआती दौर में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में धाक जमा चुकी हैं। मेरठ की रहने वाली गरिमा अग्रवाल कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें रिस्कनामा उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके साथ साथ सावधान इंडिया, बालिका वधु, इश्कबाज, इश्क सुभान लल्ला, रिटर्न ऑफ स्कूल जैसे टीवी सीरियल समेत कई वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में तेजी से पहचान बनाने वाली मशहूर कलाकार गरिमा अग्रवाल से फर्स्ट बाइट की खास बातचीत। फिल्मी सफर के बारे में मैं बताती हूँ आपको। अभी 3 साल पहले ही मैं मुंबई गई हूँ, और मैं सबसे पहले ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं मेरठ में रहती थी तभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक अपॉर्चुनिटी आई, और जैसा कि बचपन से पढ़ती सुनती आई हूँ कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस इन लाइफ टाइम, तो बस उसका फ़ायदा उठाने का सोचा मैंने। तो क्या था वो सीन, अचानक से कैसे, मतलब क्या हुआ सब, वी आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट। एक्चुअली आई वॉज डूइंग लाइक मॉडलिंग एंड रैम्प शो हेयर इन मेरठ एट यूपी लेवल। तो 2015 में मैंने विन किया था ब्राइट फेस यूपी, उसको मैंने पोस्ट को अपडेट किया यूट्यूब पर, एंड देन आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम मुंबई कि वी आर मेकिंग अ मूवी और हमें आपके जैसे ये कैरेक्टर की तलाश थी और आपका लुक वैसा ही है, तो क्या आप हमारी फिल्म में एज एन एक्ट्रेस करना चाहेंगे, एंड इट्स पैरेलल लीड। द थिंग इज दैट कि एक पहला ही ऑफर आता है और उसमें आपको पैरेलल लीड के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत बड़ी चीज़ है। वरना ऐसा होता है कि कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते रहते हैं एंड यू डोंट गेट पैरेलल लीड और लीड ना। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसको डिस्कस किया कि किस तरह से करें, तो काफ़ी डिस्कशन हुआ, अपने बड़ों से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है अपॉर्चुनिटी आ रही है तो यू शुड ट्राई। लेकिन जैसे कि यूपी में थोड़ा सा है कि लड़कियों को बाहर अकेला नहीं भेजेंगे, और मैं फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी, तो अभी क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि अकेले कैसे जाएं। तो माय हस्बैंड सपोर्टेड मी, ही सेड कि तुम आगे जाओ, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है तो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट। तो हम दोनों वहाँ पर गए एंड इस तरह से चीज़ें शुरू हुई, और वो मेरी फिल्म थी पहली साको 363, जिसमें स्नेहा उलाल लीड कर रही हैं, पहले लीड मैंने किया है, और बाकी सारे आर्टिस्ट मुंबई से थे, लाइक मिलिंद गुणा जी, गेवी चहल, ब्रिज गोपाल जी एंड शाहजी चौधरी, एवरी वन वॉज फ्रॉम मुंबई, एक मैं ही फ्रेशर थी। जो आप इतनी दूर से वहाँ गए, इतना दूर से मैं गई थी, एंड आई वॉज जस्ट यू नो सोच रही थी कि पता नहीं इन सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ में मैं कैसा परफॉर्म करूंगी। बिल्कुल, ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, एक तरीके से कि आप एक तो इतनी दूर शहर से जा रहे हैं, दूसरा आप वहाँ किसी को जानते नहीं है। Correct. तो वो जो बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड था वहाँ पे, तो इस बीच कुछ चैलेंजेस ऐसे भी आए होंगे जिसमें आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट या फिर ऐसा कुछ सीन कभी हुआ? मैं इसी फिल्म का सीन बताती हूँ। जब शाम को हम लोग पहुँच गए तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग का कॉल टाइम था, हमें सेट पर जाना था जिस रिजॉर्ट में हम लोग स्टे कर रहे थे उससे 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमारा अलग सेट था। तो वहाँ गए और डायरेक्टर ने अचानक से मुझे बोला कि काना आपका ही शॉट है। इंडस्ट्री में सब कैरेक्टर से ही बात करते हैं, गरिमा नहीं काना रानी प्ले कर रही हूँ तो काना आपका ही हम शॉट पहले लगाएंगे। तो वो सीन शूट हुआ एंड तुरंत दूसरे सीन की तैयारी शुरू हो गई। अब मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे की तरफ देखा कि जब कोई करता है एक्ट तो फिर बहुत सारे रीटेक्स होते हैं, हमेशा से ऐसे ही देखा था, और एकदम इन्होंने नेक्स्ट सीन की तैयारी शुरू कर दी तो ऐसा लगता है कि शायद अच्छा नहीं किया होगा। हाँ। तो अभी वो कुछ और प्लान कर रहे हैं और शाम को ये कहने वाले हैं आपके लिए कि योर्स इज पैकअप, जो आपने बात की डिसअपॉइंटमेंट की। तो ये मेरे लिए बहुत एक मतलब कुछ घंटे का जो समय था, 3 से 4 घंटे का समय था जब दूसरे सीन शूट हो रहे थे, और मैं और माय हस्बैंड वी वर हैविंग गूज़बम्प्स कि अभी क्या होने वाला है। बट जब वो 4-5 आवर्स के बाद भी फ्री होकर आए डायरेक्टर, तो मैंने खुद ही पूछ लिया क्योंकि इतना बेयर करना, इतना टाइम से सोच रही थी, मैंने खुद ही पूछा कि सर हाउ वॉज द शॉट। अरे
मैंने तब नहीं बोला क्या उनका ये रिएक्शन था, अरे वो वन टेक में डन हो गया था, यू आर डन फॉर द डे, अब यहाँ क्या कर रहे हो, गो टू योर रिजॉर्ट, अब कल है आपका कॉल टाइम, आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा बिल्कुल सातवें आसमान वाली, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो उछल पड़ी, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, पहली बार आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो एंड यू आर डन विद योर शॉट एंड सामने से आपको जवाब भी इतना एक्साइटिंग वाला आ रहा है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, ऑफ कोर्स आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो लाल रेखा की बात यहाँ पर आ गई है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, बिकॉज जो पुराने इतिहास और साहित्य से जुड़े लोग होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन जो अभी न्यू जनरेशन है दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो लाल रेखा बहुत ही कह सकते हैं आप एक ऐसा इतिहास में ऐसी चीज रही है जो शायद लोगों को पता लगेगा तो मोटिवेट करेगा, तो जरूर बताइए। सो प्रेरणा, सबसे पहले तो मैं थैंक गॉड करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं लाल रेखा के सेट पर पहुंची तो लाल रेखा के जो राइटर हैं वो वहाँ पर बोलते हैं कि यू आर वेरी लकी, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, उन्हें लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन एक इतना खूबसूरत कैरेक्टर आपको प्ले करने के लिए मिल रहा है, तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, थैंक गॉड कि मुझे 3 साल में ही इतना अच्छा लीड कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिला। लाल रेखा इज़ द स्टोरी फ्रॉम 1940s और ये आसाम की स्टोरी है जब देश आज़ाद होने की लड़ाई में शामिल था। तो एक ऐसे परिवार की कहानी है जहाँ पर जो अरुंधति है, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, जो मैं प्ले कर रही हूँ, वो क्रांतिकारी है और उसके हस्बैंड और उसके दोनों बेटे, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करते हैं तो वो पूरी तरह से इस क्रांति को अपोज करते हैं, राइट। और इसमें दूसरा लक मेरा ये रहा कि बहुत सीनियर एक्टर हैं अरुण बख्शी जी, वो प्ले कर रहे हैं मिस्टर शर्मा का कैरेक्टर, हस्बैंड या अरुंधति के जो हस्बैंड है मिस्टर उत्पल शर्मा, ही इज प्लेइंग। इसमें एक मतलब मुझे और कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। दूसरे कैरेक्टर्स को प्ले करने में क्या होता है कि आप अपने आप को स्क्रिप्ट एक बार रीड कर लीजिए एंड यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रोवाइज, आप अपने इमोशंस को अपनी तरह से दिखा सकते हैं, राइट exactly. तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जहां बात आ जाती है देश की क्रांति की तो आपको वही स्पिरिट कैरी करनी होगी, वो बोल्डनेस दिखनी चाहिए ताकि हाँ. कि आपका अल्टीमेटली मोटो ये होता है कि आपको लोगों को भी मोटिवेट करना, करेक्ट करेक्ट, तो वो जोश और जज्बा आपके अंदर आना जरूरी है। तो यही मेरा अगला सवाल है कि कैसे आप उस जज्बे को अपने अंदर लेकर आते हो, क्या आप पहले से आप उस अपने आप को उस रोल में ढालने के लिए कोशिश करते हो या फिर वो स्पॉन्टेनियस निकल कर आता है? मैं हमेशा से ही स्पॉन्टेनियस एक्टिंग में बिलीव करती हूँ, लेकिन जब मैं लाल रेखा के सेट पर पहुंची, व्हाट आई नोटिस, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आती है और उसमें पूरा जो इंग्लिश आपको कहीं यूज नहीं करनी, सबसे पहली बात, क्योंकि अरुंधति जो है अरुंधति वो शुद्ध हिंदी वाली है, इवन वो कुछ संस्कृत भी यूज करती है, सो दैट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी। उसके बाद मुझे डायरेक्टर ने समझाया कि अरुंधति इज अ वेरी ग्रेसफुल लेडी, वो ऐसी है कि जब वो खुश होती है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होती, जब वो दुखी होती है तो वो अपना दुख किसी को नहीं दिखाती, शी इज़ वेरी बैलेंस्ड, और वही इस पूरे शो की जान है जो सबको बैलेंस रख कर चलेगी। तो उसके लिए मुझे टाइम लेना पड़ा, मैंने डायरेक्टर को बोला ओके गिव मी 1 आवर, मैं अपने आप को वैसा सोचती हूँ कि मैं उस जमाने में चली गई हूँ, और मैं सेट पर जाकर बैठ गई, जो 1940 का ऑरा उन्होंने बनाया था वहाँ पर, मैंने सोचा कि हाँ वास्तव में मैं क्रांतिकारी हूँ। तो आई टुक 1 आवर, सेटल्ड माई सेल्फ इन दैट, और जब तक अभी इसका फर्स्ट शेड्यूल कम्प्लीट हो गया है तब तक यकीन मानिए मैंने अपने आप को मैसेज दिया, अपने माइंड को, अपने आप को एक चैलेंज दिया कि मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी नहीं है, शुद्ध हिंदी के शब्द निकालने अपनी रियल लाइफ में भी। जब सेट से घर वापस चली गई तो अरुंधति ही रही ताकि मैं कल जाकर और अच्छा परफॉर्म कर सकूं। कहीं ना कहीं रियल से रियल जुड़ा है और रियल से रियल, ये हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, आज हम एक लाइव एग्जाम्पल हम सुन रहे हैं। तो अगर मैं रोल्स की बात करूं, एक रोल से दूसरे रोल में जाने में अगर आपका जो स्ट्रगल रहा हो या फिर कोई ऐसा किस्सा कि उसे आप उसमें, क्योंकि आप, मैंने जो देखा है आपने इंस्पेक्टर का रोल भी किया, आपने डॉक्टर का रोल भी किया, इंस्पेक्टर बिल्कुल स्ट्रिक्ट और वही एक डॉक्टर बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाता है, काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, तो ये रोल्स जो मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं उसे आप कैसे अपने अंदर ढाल पाते हो? बेसिक थिंग यही है कि मैं प्राणायाम करती हूँ काफी। प्राणायाम एक ऐसी विधि है कि आप जो भी अपने आप को अडॉप्ट करना चाहो, जिस कैरेक्टर में ढालना चाहो, तो वो बहुत अच्छा समय होता है, बेस्ट टाइम होता है। तो जैसा कि आपने कहा कि इंस्पेक्टर है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और डॉक्टर है तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, पोलाइट हो जाएंगे, तो उसकी तैयारी हम लोगों को पिछले दिन से ही करनी पड़ती है कि नाउ यू आर अ डॉक्टर,
और आपको ऐसे कन्विंस करना है, ऐसे कंसोल करना है. या मैं इश्क सुभान अल्लाह में कर रही थी जैनब शेख, तो इट वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कैरेक्टर आई वॉज प्लेइंग ऑन स्क्रीन, तो उसमें कुछ उर्दू के शब्द भी यूज होने थे. और जब हम इश्क सुभान अल्लाह कर रहे थे तो उसमें हमने ईद भी सेलिब्रेट की, तो उसके जो सारे कल्चर्स थे वो सब पहले अडॉप्ट करने थे मुझे कि ये कैसे कैसे होता है. बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप रियल लाइफ में उसे नहीं ढालोगे तो आप वो फील नहीं ले पाओगे, इमोशंस बाहर नहीं. राइट, वो और फील नहीं लेंगे तो वो चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, आंखों में वो इमोशन नहीं आएगा. तो इसके बाद अगर मैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट मेरे पास लाइन अप है, लेकिन दुनिया को आप बताइए अपने आप से कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक गॉड 2019 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा. वैसे तो जब से मैं एंटर हुई हूँ तब से आई एम ब्लेस्ड इन दिस इंडस्ट्री, बट 2019 की शुरुआत में ही 15th मार्च को मेरी फिल्म रिलीज हुई रिस्कनामा, जिसमें मैंने लीड कैरेक्टर किया है. इट वॉज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और जितना मैं उसके लिए एक्साइटेड थी कि जब रिलीज़ होगी एज अ लीड तो क्या होने वाला है, फिल्म ने बहुत अच्छा किया और बहुत लंबे समय तक टिकी रही, लोगों को पसंद आती रही, ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट किया. और उसके बाद ही मैंने फिल्म की है चेज, इनक्रेडिबल इंडिया, करते रहो जाप, बाप के बाप, ये मेरी तीन फिल्म्स हैं जो 2019 में ही रिलीज़ हो रही हैं. इसके अलावा साको 363 है, वो 2020 तक आ जाएगी, और मैनी मोर्स आर लाइनअप जिन पर अभी वर्क चल रहा है, शूटिंग तो चल रही है. मैं बात करना चाहूंगी इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में. आप सभी को बता दूं कि हाल ही में फरवरी के महीने में 14 फरवरी जो प्रेम का दिन होता है, उस दिन देश ने एक ऐसा झटका झेला जब सबकी आंखें नम हो चुकी थी, लोग बिल्कुल गंभीर हो चुके थे, पुलवामा अटैक, उस पर बेस्ड है फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया. उसके बारे में थोड़ा सा आप अपने रोल के बारे में थोड़ा सा बताइए. पुलवामा अटैक का जब नाम आता है तो वास्तव में ऐसा लगता है कि अभी हम क्या कर सकते हैं, देश के सिपाहियों ने अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं. तो पहले मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि इनक्रेडिबल इंडिया पुलवामा अटैक पर बन रही है, और हम सब ने मिलकर, मींस प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम और एक्टर्स टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हमारी आने वाली फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया जितना भी बिजनेस करेगी उसका 25% हम लोग पुलवामा अटैक में शहीद हुए सैनिकों के फैमिली को देने वाले हैं. कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट इसी तरह से हम लोग हेल्प करें अपने कंट्री को, क्योंकि जब ऐसा हुआ तो देश में कई दिग्गजों ने, कई बड़े लोगों ने उनको, शहीदों के परिवारों को हेल्प किया. तो ये आप जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप उठा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उसे भी उतना ही प्यार मिलेगा, उतना ही स्नेह मिलेगा जितना आपकी पुरानी फिल्मों को मिला है. रिस्कनामा से लेकर अब तक ये करते रहो जा बाप के बाप तक, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सफर बहुत अच्छा रहे, आगे भी आप ऐसे करते रहे, दोबारा हमारे स्टूडियो में आए, जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए एक मैसेज प्यार भरा आपकी तरफ से. देखिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, प्रेरणा इज अ वेरी स्वीट गर्ल, ठीक है, और ये चैनल ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया अपनी कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को शेयर करने के लिए. मैं अप्रिशिएट करूँगी इनके इस स्टेप को, क्योंकि होता ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं या जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जब वहाँ के लोग इतना प्यार देते हैं हमें, तो ये मन करता है कि अपने शहर का नाम सिर्फ देश तक नहीं, विदेशों तक ऊंचा किया जाए. क्योंकि कहीं ना कहीं शहर एक परिवार बन जाता है जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो हमें कई लोग मिलते हैं अपने, क्योंकि आप भी मुंबई गए होंगे तो वहां पे कोई मेरठ का मेला होगा तो आपको परिवार जैसा महसूस होगा, तो हमारा प्यार देना तो बनता है. उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में और भी ज्यादा अच्छा करें, हमेशा लोगों की तरफ से आपको प्यार मिलता रहे. स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं थैंक्स करना चाहूंगी आपके चैनल को, माई बेस्ट विशेज एंड गुड लक फॉर दिस चैनल, कि ऐसे ही आप सब टैलेंट्स को आगे बढ़ने में एक मोटिवेशनल सपोर्ट करते रहे. तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद थी गरिमा अग्रवाल, जानी मानी फेमस एक्ट्रेस बॉलीवुड की, जो धमाल मचा चुकी हैं अपनी जिंदगी में और आगे भी ऐसे ही मचाती रहेंगी. अपना खूब सारा प्यार और स्नेह और बेस्ट विशेस देते रहिए. फिर से लौटेंगे प्रोग्राम में एक और खास सेलिब्रिटी के साथ. इजाजत दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. नमस्कार.